अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस। आज मैं एक कल्चरल रेस्टोरेंट के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ, रिव्यू करने के लिए आया हूँ, एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, जिसका नाम है कच्छ दरबार। ये जो कच्छ दरबार रेस्टोरेंट है, ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है जो जस्ट फाउंटेन होटल से, जहाँ से ये गुजरात रोड शुरू होता है, बस वहाँ से कुछ मीटर से फासले के ऊपर है। फाउंटेन होटल से जैसे ही आप टूवर्ड्स गुजरात की तरफ जाओगे, तो ये जैसे ही ब्रिज क्रॉस करके अलीफ ढाबा है, अलीफ ढाबे से लग करके ये जो है कच्छ दरबार है। ये एक कल्चरल होटल है, गुजरात के आप मेहमान नवाजी और कच्छ की मेहमान नवाजी शायद आपने देखी नहीं होगी। तो आज जो है हम उसी थीम के ऊपर, उसी थीम पे बना हुआ ये रेस्टोरेंट है, और आइए हम आप इसको बताते हैं, आपको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, मेक इन इंडिया का बोर्ड आपका इस्तकबाल करेगा और आप अपने हाथों को यहाँ से सैनिटाइज कर सकते हैं। और ये जो है ये कच्छ दरबार है। अगर आप इसकी जमीन देखोगे तो ये जो जमीन के अंदर जो रेती है, ये वही रेती है जो मून के ऊपर जो रहती है, जिस जो हिंदुस्तान के अंदर कच्छ के अंदर जो है वाइट रन ऑफ कच्छ जिसे कहते हैं, इसी तरह की रेती होती है, इसी से आपका इस्तकबाल होता है। और देखिए ये पूरी जो थीम है वो पूरा कल्चरल है। आप गुजरात में कहीं पर भी जाओ, आपको रंग बिरंगी और चमकीली चीज़ें मिलेगी। आप देखिए शायद ही इस रेस्टोरेंट का कोई ऐसा कोना रहेगा जहाँ पर आपको कलर नहीं दिख रहा होगा या आपको रंग बिरंगा नहीं दिख रहा होगा। ये वो जगह है जहाँ पर शाम को डेली सैटरडे संडे के दिन यहाँ पर लाइव शो होता है। और ये जो खटिया है, ये भी आप देखोगे तो ये भी एक कल्चरल है गुजरात के अंदर। इस तरीके के ये तकिए जो है रंग बिरंगे, देखिए हर जगह पे आपको रंग बिरंग रंग मिलेगा, रंग की खुशबू मिलेगी। और तुमको पता है कि ऊँट जो कैमल है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये एक सेल्फी पॉइंट है जिसमें आप जो है अपने फ़ोटो निकाल सकते हो और इसके साथ जो है अपने आप को मतलब देख सकते हो। और जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये जो है डाइनिंग है, ये खटिया है, और ये जो है डाइनिंग के लिए जो जगह है इसको कुटीर कहते हैं। यहाँ पे कुटीर के ऊपर जो है आप बैठ करके खा सकते हैं। पूरा कल्चरल है, मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक मैं तुमको वॉक अराउंड दूसरी चीज़ों का दिखाता हूँ। ये इस होटल का मेन काउंटर है। जैसे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि गुजरात और कच्छ के अंदर आप देखोगे तो आपको जगह जगह कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पे भी वही थीम इस्तेमाल की गई है, पूरा देखिए कलर की हर स्टॉप है। आइए अंदर। ये जो सादा डाइनिंग है, यहाँ पर आपकी अगर कुछ पार्टी है और आपको बैठ करके खाना है तो आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। और अब मैं आपको अंदर का वो दिखाता हूँ। है ना कुछ अलग चीज, एकदम अलग, एकदम डिफरेंस। ये सब चीजें किसी गुजरात में नहीं हूं मैं, ये किसी मतलब दूसरे स्टेट में नहीं हूं, ये बंबई से बिल्कुल करीब ये रेस्टोरेंट है। और दीवारों के ऊपर आपको हर जगह पर आपको गुजरात का टेस्ट, गुजरात की खुशबू मिलेगी। और एक आपको एक सरप्राइज बात बताता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम जो चीजें जो इस्तेमाल की जाती है वो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये जो कप वगैरह है इसके, ये सब मिट्टी के जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और खाना भी जो सर्व किया जाता है वो इस तरह की प्लेट के अंदर सर्व किया जाता है जो पत्ते से बनी हुई है। अभी मैं आपको गुजरात के जो गांव के अंदर, विलेज के अंदर जिस तरह से खाट रहता है, जिस तरह से वहां की सजावट होती है, उसका जो थीम है वो आपको बंबई में दिखाता हूं। आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये आराम से आप यहां पे, ये देखिए ये जो गाड़ी भी है, ये भी जो है ये रंग बिरंगी मिलेंगी आप, आराम से आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। कच्छ के अंदर जो घर रहते हैं वो अक्सर इस तरीके की ज़मीन रहती है, इस तरीके से वहाँ के प्लास्टर वगैरह रहते हैं। और ऊपर से देखिए ये वो कितना खूबसूरत दिखता है,
ये जो रेस्टोरेंट कितना खूबसूरत दिखता है। आइए अब ये आप देख रहे हो, यहाँ पर डेली जो है बोफे लगता है, जहाँ पे कल्चरल फूड तो रहता ही रहता है, साथ में पंजाबी और चाइनीज़ फूड भी सब भी रहता है। आप यहाँ से बोफे का टोकन ले करके आप यहाँ पे आइए और आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। साथ में यहाँ पे पानी पूरी काउंटर है, यहाँ पे भी आप अनलिमिटेड जो है पानी पूरी का जायका ले सकते हैं। ये जो तंदूर है, यहाँ पे कुलचा वगैरह जो है वो यहाँ पे बना जाता है। ये सब शाम के वक्त होता है। किसी दिन मैं और यहाँ पे जब लाइव प्रोग्राम होता है तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अब आइए यहाँ पे रोटी, जो गुजरात की जो बाजरे की रोटी है और दूसरी है, वो किस तरीके से तैयार होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये कौन सी रोटी बन रही है? ये मकई, ये ज्वार, ये बाजरा, ये फुलका। मकई, ज्वार, बाजरा, नाम सुनकर ही देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो देखो कितनी साफ सफाई से है, वहाँ पे वो बेला जा रहा है, यहाँ पर सेका जा रहा है और यहाँ पर शायद इसको जो फुगाया जाता है इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ये ईट। ईट है तो ईट के ऊपर रख करके जलता नहीं, इसके ऊपर सिखाया जाता है जिससे रोटी जलती नहीं है और फूटती है। तो आप देख सकते हो तो किस तरीके से एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ का जो है मैनेजमेंट जो है इंतजामिया जो है वो काम करता है। अब ये जो मैं जिस जगह पे आया हूँ ये कुटीर है, कुटीर जिसे मतलब एक तरीके से बम्बई की जबान में ना मतलब एक झोपड़ा कहते हैं। तो यहाँ की आप देखोगे तो रंग बिरंगे कुटीर है जहाँ पर आज हमें खाना यहाँ पे खाने वाले हैं, यहाँ पे हमें सर्व हो रहा है। तो ये है पूरा जो है कच्छ दरबार होटल। और ये मैं जैसे कि पहले भी कहा, ये कहीं मैं कच्छ के अंदर या गुजरात के किसी रूरल एरिया के अंदर नहीं हूँ, ये मैं बॉम्बे से जस्ट फाउंडर होटल से करीब कुछ मीटर के फासले के ऊपर है। ये अभी ही खुला है, पहले खुलने वाला था लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं खुल पाया, तो अभी ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है। सैटरडे संडे लाइव शो होता है, आप ज़रूर यहाँ पे आइए। और दूसरी बात कि अब यहाँ का खाना कैसा होता है वो खाना टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी पानी का जो इंतज़ाम है, ये जो कप है ये सब मिट्टी के हैं और मिट्टी के बर्तन में खाने की क्या फजलियत है वो तो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए खाना खाते खाते मैं आपके साथ आता हूँ। ये हमारा पानी है सर, वाटर, इसमें हम पिलाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन में हमारा यही यूज होता है। अच्छा, पुदीना जलजीरा है सर, ये हमारा वेलकम ड्रिंक है। पुदीना जलजीरा ओह, वो भी मिट्टी के बर्तन के अंदर सर्व करते हैं हम, जिसकी वजह से उसका टेस्ट पूरा ही चेंज हो जाता है। दोस्तों आप देख रहे हो पुदीना जलजीरा और नींबू पानी, क्या आपने इस होटल के अलावा किसी और रेस्टोरेंट पे या किसी ढाबे पे इस तरह का प्रेजेंट आपने देखा है? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरजमीन बम्बई के अंदर या नियर बाय आपने कहीं नहीं देखेंगे ये इस तरह का प्रेजेंटेशन यहीं पे है। लेकिन इसके अलावा हम इसको टेस्ट करके भी आपको बताते हैं, साथ में शेयर करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। वाह, मिट्टी के बर्तन के अंदर ये जलजीरा जो है तीखा है, तीखापन है इसके अंदर। और टेस्ट तो ऐसा है कि एक बार आके आप अगर टेस्ट करो तो आप जरूर दूसरे का इसको ऑर्डर करो। और ये है नींबू पानी, मैंने मेरी लाइफ के अंदर पहली बार नींबू पानी जो है वो मिट्टी के बर्तन में पिया है और इसका एक
अनदर लेवल है, एक अलग ही चीज है। सर ये हमारा ट्रेडिशनल प्लेट है जो डिस्पोजिबल में यूज होता है, और आप देख रहे हो अभी कोरोना का खौफ है, उसकी वजह से हम ये डिस्पोजिबल नॉर्मली ऐसे भी यूज करते हैं, लेकिन अभी ये हमारे क्लाइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्पोजिबल है, रीयूज नहीं होता है, और ये प्योरली पूरे पत्ते का बना हुआ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसके, आप देख सकते हो इसके अंदर हम सर्व करते हैं। और ये हो गया हमारा स्टार्टर में जो सबसे फेमस है, रोस्टेड खिचिया मसाला पापड़ कहते हैं इसको, रोस्टेड खिचिया मसाला, खिचिया मसाला जी, ये पापड़ होता है खिचिया पापड़ कहते हैं इसको, इसको अच्छा। रोस्ट किया गया है और उसके अंदर सब टमाटर हो गया, ओनियन हो गया, उसको डाल के रेडी किया हुआ है। और डिश के साथ ये हमारे सलाद आइटम सभी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे कि प्याज हो गया, ये ऑर्गेनिक देसी गुड़ हो गया, बराबर ये अच्छा। मतलब ये अलग गुड़ है, अलग गुड़ है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। आप नॉर्मली गुड़ लेते हो तो येलो टाइप का होता है, ये ब्लैक टाइप में दिख रहा है, देसी ऑर्गेनिक गुड़ होता है। ये लाइम हो गया, उसके साथ में ये सॉल्ट हो गया, ये स्पेशली लहसुन का चटनी जो हमारा खास स्पेशल है, लोग इसको खाने के बाद कहते हैं कि हमें पार्सल में दे दीजिए करके। और ये अपना उसके साथ में ग्रीन चटनी हो गया। दोस्तों यहाँ की आपने एक बात नोट की कि कितनी सारी चीज़ें हैं, समझने वाले समझ रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में पानी दी जा रही है, मिट्टी के बर्तन में शरबत दिया जा रहा है, मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बात नोट कीजिए कि ये नमक है, और नमक को किस तरह खाने से पहले शुरू किया जाता है आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कितनी फजलियत वाली चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर है। और चलिए ये टेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। पापड़ के बाद कोई आइटम अगर चलती है तो सर ये जामनगरी गुजरा में, जामनगर है गुजरात का प्लेस का नाम है, जामनगर आ जाएंगे तो ये जामनगरी गुजरा उसको। और ये उसके बाद दही वड़ा चाट, तो ये जो है आप लोगों की जो है ये सिग्नेचर आइटम है, ये ज़्यादा करके मतलब आप लोग ज़्यादा करके जो कस्टमर आते हैं वो इसी चीज़ का ऑर्डर के लिए ये ज़्यादा फेमस है। वेज के अंदर भी एक से एक डिशेज का जायका है, कभी आप ट्राई भी कीजिए। अब मैं ये क्या नाम बताया इसका, जामनगरी घुघरा, जामनगरी घुघरा। यकीन जानो दोस्त, इस तरह की प्रोडक्ट जो है मैंने नियर बाय बॉम्बे में तो कहीं नहीं टेस्ट किया, कहीं मुझे मिला ही नहीं। और दही वड़ा तो आपको पता है कि कच्छ की हर गली के अंदर दही वड़ा, डाबेली और छाछ आपको हमेशा मिलेगी। ट्राई करके देखो दोस्त, फिर समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। स्टार्टर के बाद सर मेन कोर्स में आता है अपने पास, लोग दूर दूर से आते हैं अपने पास। ये है सर लहसुन या बटाटा भाजी है, लहसुन और आलू के कॉम्बिनेशन में इसको बनाया जाता है, जो गुजराती लोग बहुत ही पसंद करते हैं। उसके बाद आता है ग्रीन गुजरात भाजी, जिसको अपने गुजराती में ऊंधियू करके एक नाम है भाजी का, जो विंटर सीजन में ही होता है, कुछ इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स डालने के बाद, कॉम्बिनेशन के बाद वो बनता है, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही वो वेजिटेबल 12 मास महीने नहीं मिलता है वो चीज़। उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम ग्रीन गुजरात कहते हैं, मिनिमम वेजिटेबल्स डाल के बनाया जाता है। और गुजराती भाजियों के साथ साथ हम नए क्राउड को अट्रैक्शन के लिए सर पंजाबी भाजी भी ट्राई करते हैं, तो ये हो गया पनीर लजीज भाजी। मतलब यहाँ पे सीनियर सिटीजन आए, यंगस्टर आए या बच्चे आए, सभी लोग आराम से पेट भर के खा के जा सके, कोई भी खाली पेट ना जाए, उस हिसाब से हमारा मेन्यू को प्रिपरेशन किया गया है कि सीनियर सिटीजन भी एंजॉय कर सकता है, यंगस्टर भी और बच्चे भी। और इसके कॉम्बिनेशन में हो जाता है सर बाजरे का रोटला, मकाई का रोटला और फुलका रोटी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशनल फूड के अलावा पंजाबी भी मिलता है, साउथ इंडियन भी मिलता है और चाइनीज़ भी मिलता है। अगर कोई ट्रेडिशनल ना खाए और ये दूसरे कोर्स के लिए भी आना चाहे तो उनके लिए भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ की जो थीम है वो ट्रेडिशनल थीम है। वेज के अंदर भी एक से एक लजीज और जायकेदार फूड है, कभी आप ट्राई कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। ये बाजरे की रोटी ना? जी सर, बाजरे की रोटी। बेहतरीन, मस्त। बाजरे की रोटी के रोटी को आप लहसुन की चटनी या घी और गुड़ के कॉम्बिनेशन में भी खा सकते हो, जो प्योरली कच्छी या गुजरात का ट्रेडिशनल चीज़ होती है। आपकी लहसुन की चटनी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई, मेरे को ज़रूर घर के लिए थोड़ी सी पार्सल दे देना, ताकि मैं मेरे घर वालों को भी बताऊं कि देखो ऐसी भी चटनी बनती है, लोग बनाते हैं।
ठीक है, वो कुछ अलग ही है भाई, बहुत बहुत बेहतरीन जी। सर अभी आपने हमारा रोटला और भाजी तो टेस्ट कर लिया सर जी, आई होप कि आपने एंजॉय किए होंगे, बहुत बेहतरीन। उसके बाद वापस हैवी खाना खाने के बाद ये कुछ डिशेज है जो खिचड़ी के लिए फेमस है, ये काठियावाड़ी खिचड़ी हो गया जिसको छिलके वाला मूंग दाल के साथ कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है। अच्छा, वो प्योरली ट्रेडिशनल खिचड़ी है ये यहाँ का, और उसके साथ हो गया ये दाल खिचड़ी, ये खिचड़ी और ये दाल खिचड़ी, ये काठियावाड़ी खिचड़ी दाल खिचड़ी, उसके साथ में ये गुजराती कढ़ी है, उसके कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। और किसी को स्टीम राइस खाना है तो हम स्टीम राइस भी देते हैं, दाल तड़का है, दाल फ्राई है, वो भी सर्व करते हैं सर। और लास्ट में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कच्ची दारू जिसको हम बोलते हैं, कच्ची जो पूरा खाना होने के बाद, ये बहुत ही जरूरी है सबके लिए। कच्ची लोगों को तो छाछ के बिगैर खाना उनको चलेगा ही नहीं, ये चाहिए नहीं चाहिए, दूसरा कुछ रहे या ना रहे, लेकिन छाछ उनको जो है। ये अलग अलग चीज़ें टेस्ट कर सकते हो सर, ये काठियावाड़ी खिचड़ी है, ये मसाला खिचड़ी है, इसके साथ में आप गुजराती कढ़ी का कॉम्बिनेशन मिक्स कर सकते हो जो प्योरली घी के अंदर ही बनाया जाता है, देसी घी जी। आपको पता है ना दोस्तों कि जब भूख लगी हो और उस वक्त अगर आपको गर्मा गर्म खिचड़ी मिल जाए तो उस खिचड़ी का आप मुकाबला किसी भी दूसरी डिश से नहीं कर सकते, वैसा ही है ये एक बेहतरीन और आलीशान खिचड़ी, ये दाल खिचड़ी और ये जो बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, और उसके अंदर इतना टेस्टी है, एकदम फ्रेश है, ज़रा भी देरी का नहीं, गर्मा गर्म, समझ में आता है ना कि इतनी जगह पे हम फूड खाते हैं, रिव्यू करते हैं कि हमको जायका लेते के साथ ही समझ में आता है कि क्वालिटी क्या दे रहे हैं। बम्बई की जबान में कहूँ तो एक नंबर। कहते हैं ना सर कि कुछ मीठा हो जाए जी जी अच्छा सा खाना खाने के बाद, ये मूंग दाल का शीरा और ये गरम मोहनथाल जो प्योरली ट्रेडिशनल घी में बनाया हुआ और मिट्टी के बर्तन में सर्व करते हुए आपको, ये क्या कहा, मूंग दाल का शीरा, मूंग दाल जो होती है अपनी, हाँ। उसमें से ये शीरा बनाया जाता है, मूंग दाल का शीरा, इसमें भी देसी घी है। अपने यहाँ पे फूड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है सर, प्योरली जो यूज करना चाहिए घी वही यूज होता है, प्योरली जो भी मिल्क प्रोडक्ट हो गया या फिर पनीर हो गया उसमें हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए उसी हिसाब से रेट लेते हैं सर। रेट वाइज आप देखने जाओगे तो हमारा बाकी कंपैरिजन में अच्छे रेट से, और प्रोडक्ट में आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम भी नहीं करेंगे, और क्वालिटी भी हमारा वही एक नंबर है। ये मंठार खाने के बाद मुझे कच्ची गाल, कच्ची में गाल करण जी अच्छी वही, क्योंकि असा कच्छ में जड़े पण विनो था तो उड़ा जो जो लड्डू आई है, उड़ा जो जो पेड़ा आई है, उड़ा जो जो पकवान आई है, जो सवाल जो जो नाश्ते में खाया था ने, ये मंठार जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है ने, असा जो अलग है, ये मंठार जो है मंठार चखी ने मुके ये याद अच्छी वही कच्चे मंठार जी नहीं वधारे खास हुआ है खुला के ई देसी घी में बने हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास चूरमा का लड्डू है, जलेबी भी हम गरम गरम सर्व करते हैं, बहुत सारी स्वीट आइटम है अपने पास जो प्योरली ट्रेडिशनल है, गुलाब जामुन हो गया। तो दोस्तों आज का जो ये वॉक ओवर था पूरा कच्छ दरबार रेस्टोरेंट का था, जो दहीसर के मतलब ये जो फाउंटेन होटल से कुछ मीटर्स के करीब ये, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आज यहाँ पर हमने यहाँ का फूड चखा, यहाँ बहुत जायकेदार था, प्योर वेज होटल है, मल्टीपल मुख्तलिफ तरीके का, चाहे आप ट्रेडिशनल फूड दो, चाहे आप पंजाबी फूड लो, चाहे साउथ इंडियन फूड लो, चाहे आप चाइनीज़ फूड लो, हर तरह के जिस तरीके का जो भी आदमी जायका चाहता है वो यहाँ पर सब अवेलेबल है। एक अलग ही थीम है, आप भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी के अंदर आप यहाँ पर आ करके खाना खा करके एक अलग ही वैल्यू टाइम यहाँ पे स्पेंड करके रिफ़्रेश हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ का ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत जल्द नई जगह पर फिर आपके साथ रूबरू होंगे।